हसार के कनोग गांव में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मच गई। चार लोगों ने बाइक पर जा रहे पति और पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही हसार पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मरने वाली महिला का नाम रेनू और पुरुष का नाम रामचंद्र था। रेनू ने कनोग गांव के ही रहने वाले रामचंद्र के साथ दूसरी शादी की थी। मृतका 3 महीने की गर्भवती भी थी। जानकारी अनुसार रेनू की शादी कई साल पहले कनोग गांव में रहने वाले जसबीर के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। लगभग साल भर पहले रेनू का अपने पति जसबीर के साथ मनमुटाव हो गया। उसके बाद उसने जसबीर से तलाक ले लिया। तकरीबन 8 महीने पहले रेनू ने कनोग गांव में अपने ससुराल के सामने ही रहने वाले रामचंद्र से दूसरी शादी कर ली। इलाके में चर्चा थी कि रेनू और रामचंद्र के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से उसने जसबीर से तलाक भी लिया। रेनू और रामचंद्र ने शादी के बाद गांव छोड़ दिया और खेत में ही घर बनाकर रहने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड को किसने अंजाम दिया। अजीब भी प्रारंभिक जांच है, डेड बॉडी उठा के घटनास्थल का निरीक्षण करवा डॉक्टर अजेश और हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने घटना का निरीक्षण किया है। हमने सभी टीम ने मिलके यहाँ घटना का निरीक्षण किया है और हमारे डॉक्टर अजेश सिंह उन्होंने भी फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर है और सारा निरीक्षण करके और जो घटनास्थल से साक्ष्य उठाए है और डेड बॉडी को मेडिकल अग्रवा मेडिकल में भेज दी गई। जांच में कोई पता नहीं चला है। जो वो एक जगबीर नाम का आदमी है, हाँ जसबीर, उसका बिल वगैरह मिला गाड़ी के अंदर। हसार के कनोग गांव में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मच गई। चार लोगों ने बाइक पर जा रहे पति और पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही हसार पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मरने वाली महिला का नाम रेनू और पुरुष का नाम रामचंद्र था। रेनू ने कनोग गांव के ही रहने वाले रामचंद्र के साथ दूसरी शादी की थी। मृतका 3 महीने की गर्भवती भी थी। जानकारी अनुसार रेनू की शादी कई साल पहले कनोग गांव में रहने वाले जसबीर के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। लगभग साल भर पहले रेनू का अपने पति जसबीर के साथ मनमुटाव हो गया। उसके बाद उसने जसबीर से तलाक ले लिया। तकरीबन 8 महीने पहले रेनू ने कनोग गांव में अपने ससुराल के सामने ही रहने वाले रामचंद्र से दूसरी शादी कर ली। इलाके में चर्चा थी कि रेनू और रामचंद्र के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से उसने जसबीर से तलाक भी लिया। रेनू और रामचंद्र ने शादी के बाद गांव छोड़ दिया और खेत में ही घर बनाकर रहने लगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड को किसने अंजाम दिया। अजीब भी प्रारंभिक जांच है, डेड बॉडी उठा के घटनास्थल का निरीक्षण करवा डॉक्टर अजेश और हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने घटना का निरीक्षण किया है। हमने सभी टीम ने मिलके यहाँ घटना का निरीक्षण किया है और हमारे डॉक्टर अजेश सिंह उन्होंने भी फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर है और सारा निरीक्षण करके और जो घटनास्थल से साक्ष्य उठाए है और डेड बॉडी को मेडिकल अग्रवा मेडिकल में भेज दी गई। जांच में कोई पता नहीं चला है। जो वो एक जगबीर नाम का आदमी है, हाँ जसबीर, उसका बिल वगैरह मिला गाड़ी के अंदर। न्यूज 18 के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट।